योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इमेजिका कंपनी के बारे में। यहाँ पर इस कंपनी में यहाँ पर मैं निवेश करना है नहीं, बिकॉज यार ये जो नाम है इमेजिका का वो यहाँ पर आप में से बहुत लोगों को पहले से पता होगा। थीम एंटरटेनमेंट पार्क्स है, वाटर पार्क है, ऐसी बहुत सारी सर्विस जो है ये कंपनी जो है यहाँ पर इसके बिजनेस सेगमेंटेशन के अंदर प्रोवाइड करता है। अगर हम फुल ऑन बात करें तो एंटरटेनमेंट सेक्टर के अंदर ये कंपनी काम करती है। कंपनी के बारे में और डिटेल बात करेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है, बिकॉज यहाँ पर हमें एज अ शेयर होल्डर एज अ इन्वेस्टर यहाँ पर मैं देखना है कि कंपनी में निवेश किया जा सकता है नहीं, तो उन सब चीज़ों के ऊपर भी फोकस करने वाले हैं। सो यहाँ पर आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और उसी के साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर कंपनी का जो बिजनेस प्रोफाइल है उसके बारे में तो हम यहाँ पर बात करने ही वाले हैं। उसी के साथ साथ में यहाँ पर कंपनी के जो कैश फ्लोज है, दैट इज ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एज वेल एज यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यहाँ पर कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, लोकेशंस नई नई जो है कितनी ओपन कर रही है, और यहाँ पर YOY बेसिस पर सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है उसके ऊपर भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। शेयर प्राइस यहाँ पर जिस तरह से ट्रेड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट सेंटिमेंट ऑल्सो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से निवेश किया जा सकता है नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। प्रमोटर होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स जो है यहाँ पर कंपनी की जो भी होल्डिंग है वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, फिर यहाँ पर किस तरह का सेगमेंटेशन वहाँ पर हमें देखने मिल रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी किस तरह से जो है नतीजे दिखा रहे हैं उसके ऊपर भी फोकस करने वाले हैं। कंपनी के बिजनेस के बारे में बताऊं तो यहाँ पर इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट लिमिटेड कंपनी का मेन जो कारोबार है वो यहाँ पर थीम एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन जो भी यहाँ पर होता है, डेट इज़ एंटरटेनमेंट रिलेटेड जो भी काम होता है वो ये कंपनी करती है। डेट इज़ नॉर्मल थीम पार्क हो गया, वाटर थीम पार्क, एज वेल एज प्रीमियम होटल्स भी जो है सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है, और उसी के थ्रू यहाँ पर जो है मेन कंपनी का कारोबार देखने को मिलता है। थीम पार्क के अंदर यहाँ पर जो डेट इज़ गेट के अंदर एंट्री के चार्जेस होते हैं, उसके अलावा जो भी अंदर की जो भी चीज़ें के जो सामान के जो भी एक्सपेंस डिटेल्स होते हैं, और यहाँ पर जो अंदर खाने की चीज़ें होती है उसके रिलेटेड भी यहाँ पर जो है कंपनी अपना जो है बिजनेस कमाती है, और उसी के थ्रू यहाँ पर कंपनी का कारोबार देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर करंटली अगर बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पर स्टैंड करता है 1740 करोड़ का, इस कंपनी का यहाँ पर हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है। और सबसे ख़राब बात मुझे ये लगी कि कंपनी जो है प्रॉफिटेबल नहीं है, तो यहाँ पर कंपनी की अगर मैं यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखना चाहे तो -16.5 के चल रहे हैं, और उसी के साथ साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी तो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और डेट भी अगर हम यहाँ पर देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है कंपनी का यहाँ पर हमें एज ऑन द टाइम फैक्ट डेट भी देखने को मिल रहा है। सो काइंड ऑफ अ नेगेटिव थिंग जो कि यहाँ पर हमें जो है इन्वेस्टमेंट से पहले ज़रूर सोचना चाहिए। बट यहाँ पर इसको और अच्छी तरीके से हम जानेंगे कब, जब यहाँ पर हम जो है कंपनी कैश फ्लोज देखेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो कंपनी डेट ले रही है उसके अंदर से क्या काम करें, डेट इज़ इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा पार्क ओपन कर रही है नहीं, तो वहाँ पर भी ज़्यादा जो है हमारा फोकस रहना चाहिए। कंपनी अगर मैं यहाँ पर बिजनेस के बारे में बात करूँ तो कोविड में तो यहाँ पर बात ही क्या करनी, बट 2019 से लेकर 2022 तक भी अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो कंपनी ने इतना अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं किया है। यहाँ पर कंपनी के जो रेवेन्यूज़ जो है वो यहाँ पर हमें जो है अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं, और उसी के साथ साथ में यहाँ पर जो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी जिस तरह से ग्रो होनी चाहिए वो तो बात ही अलग है, बट यहाँ पर कंपनीज जो है यहाँ पर हमें लॉस में जो है नंबर्स दिखा रही है। सो काइंड ऑफ अ नेगेटिव थिंग, बिकॉज यहाँ पर कंपनी के बारे में बहुत कुछ सुना था बट यहाँ पर कंपनी जो है प्रॉफिटेबल देखने को नहीं मिल रही है। तो ये जो पिक्चर है वो यहाँ पर आपके सामने है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए जो पहली नेगेटिव चीज़ जो है यहाँ पर मुझे देखने को मिली है वो यही है कि कंपनी जो है यहाँ पर हमें पॉजिटिव, दैट इज़ कंपनी जो पॉजिटिवनेस जो होती है, प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी जो है किस तरह के नतीजे कर रही है, कंपनी जो है दैट इज़ कंपनी रेवेन्यूज़ जो है कंपनी टॉप लाइन बॉटम लाइन यहाँ पर किस तरह से जनरेट हो रही है, बिकॉज सो वो भी जो चीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर कंपनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ग्रो कर रही है नहीं वो हमें यहाँ पर कंपनी टॉप लाइन एज बॉटम लाइन के थ्रू पता चलता है। तो यहाँ पर कंपनी टॉप लाइन तो इतनी अच्छी तरह से ग्रो होते हुए देखने को नहीं मिल रही है, 2021 की तो बात ही अलग है, बट यहाँ पर जून के अंदर जो कंपनी के नतीजे आए हैं वो काफ़ी तगड़े देखने को मिले हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि अदर इनकम यहाँ पर इस क्वार्टर के अंदर 563 के अदर करोड़ की इनकम यहाँ पर देखने को मिली, सो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर हमें 530 करोड़ का जो है यहाँ पर हमें प्रॉफिटेबिलिटी जो स्टेज है वो देखने को मिला है। बट यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन में यहाँ पर एज ए इन्वेस्टर क्या करना है, बिकॉज अदर इनकम होती है कब, दैट इज़ सालों में या फिर 10-15 सालों में एक बार हो जाती है, वो भी काफ़ी कम होती है। सो इस तरह के जो प्रॉफिटेबल नंबर आए हैं उससे हम इस कंपनी में निवेश करें, ऐसा कोई यहाँ पर हमें जो है जो नज़रिया होता है वो देखने को नहीं मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर कंपनी की
होल्डिंग जो है वो स्लोली एंड स्टडली जो है यहाँ पर हमें हर क्वार्टर के अंदर रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रही है। सो ये जो चीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो नेगेटिव लग रही है। FII का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 3.32% से 3.04% हो चुका है इस क्वार्टर के अंदर, सो काइंड ऑफ अ नेगेटिव थिंग। DII की होल्डिंग यहाँ पर 0-0 हो चुकी है और पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर स्लोली एंड स्टडीली जो है बढ़ी जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप इस कंपनी में पहले से निवेशित हो तो यहाँ पर आई होप कि यहाँ पर आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स पता हो पहले से। कैश फ्लोज भी हम यहाँ पर देखते हैं, कैश फ्लोज भी इतना ज़्यादा एट्रैक्टिव नहीं है। कैश फ्रॉम इन्वेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर पॉजिटिव में 4 करोड़ जरूर देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर फिक्स एसेट को भी परचेज नहीं किए जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट नए पार्क्स ओपन करने का भी जो कंपनी का विजन होता है वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी -1 करोड़ और नेट कैश फ्लो में यहाँ पर हमें 3 करोड़ देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर आज की बात करूँ तो 4.94% की तेज़ी के साथ में 42.5 पे शेयर जरूर क्लोज हुआ है। बहुत सारे रीजन से यहाँ पर इस शेयर में तेज़ी ज़्यादा जो है बरकरार देखने को मिल रही है, बिकॉज यहाँ पर कंपनी जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे आए हैं, बट यहाँ पर लोगों को पता होना चाहिए कि कंपनी की अदर इनकम इतनी ज़्यादा आई है जो कि यहाँ पर हमें और कोई क्वार्टर में आते हुए देखने को नहीं मिलेगी या फिर अगले साल अगले क्वार्टर में भी देखने को नहीं मिलने वाली है। सो ये जो चीज़ है वो यहाँ पर आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर आप इस कंपनी में पहले से निवेशित हो तो आई थिंक यहाँ पर हमें स्लोली एंड स्टडली जो है अगर शेयर में मोमेंटम बढ़ता रहता है अपसाइड के अंदर तो प्रॉफिट धीरे धीरे बुक करना चाहिए। हालांकि फॉर अ टाइमिंग आई वॉन्ट सजेस्ट कि यहाँ पर हमें इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर ये वीडियो जो हमने बनाई इमेजी का वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के लिए वो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।